मेरा ये चेक कहना था कि गुरुजी संगीत जो मनुष्य के चारों स्तर पे विकसित होता है वो जी, है शरीर, बुद्धि, मन और आत्मा। शरीर, बुद्धि, मन और आत्मा। ओके जी, ये चारों चीजों पे संगीत विकसित होता है। हाँ, शरीर से गुरुजी तंत्र साधा जाता है, जी, क्या विद्या और शास्त्र बुद्धि से संपादन किया जाता है, बात और कला होता है सौंदर्य, एस्थेटिक, क्या वो बात मन है, से, मन की संवेदनशीलता से समझाया क्या जाता है, बात है, क्या बात है, क्या बात समझा है, जाता है। फिर मन वो सुंदरता से भी परे जाने वाला म्यूजिक है कि केवल डिवाइन म्यूजिक है, क्या बात है, क्या बात है, वो आत्मा का म्यूजिक है, ऐसा बोल बोल नहीं सकते और इसका एग्जाम्पल दे भी नहीं सकते। मगर कभी कभी दूसरा के म्यूजिक से हम अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं कर सकते इन हैं, क्या चीजों बात है, की, क्या कि बात है, इनका म्यूजिक डिवाइन है। सत्य हाँ, तो बात ऐसे लोग होते हैं, और उसका एक जो असर होता है ना, वो बहुत बहुत अंदर जाता है, उसका मतलब नहीं कह सकते। उसके मतलब से अगर समझाने लगो इनका म्यूजिक कैसे है, तो हम टेक्निकल बातें करते हैं बहुत सारी। क्या बात, सही हाँ, बात है, बिल्कुल सही बात क्या है अरे गुरुजी, इनका तिरकिट ऐसे बजता है, वो सब क्यों बजता है, वो बज कर क्या हो रहा है अपने को वो बताओ ना। बहुत इंपॉर्टेंट है डिवाइन म्यूजिक। मतलब क्या है कि दो किसी उस तरह का म्यूजिक सुनकर अगर 2 क्षण के लिए आप अपना नाम भी भूल गए, ये अगर विचार आ जाए, तो म्यूजिक की ताकत कितनी रहनी चाहिए आप सोच लीजिए। डिवाइन म्यूजिक की ये ताकत रहती है। एक क्या बात है जी एक एग्जाम्पल देता हूं मैं। गुरुजी हाँ, ये देखिए कैसा एग्जाम्पल है। देखिए, एक दो जी तीन एग्जाम्पल देता हूं, बच्चों के भी सुनने में आने दीजिए। गुरुजी मैं कुछ साल भीमसेन जी के साथ काफी बजाता था, जी गुरुजी पंडित भीमसेन जोशी के साथ बहुत बजाया करता था। और मैंने कभी संगत का प्रोफेशन समझकर नहीं किया। हाँ, मैं उनके संगीत का आनंद लेते रहा, सीखते रहा। ये मेरी उस टाइम में ये भावना थी। आज भी मैं पीछे झाककर अपने आप को देखता हूँ तो मैं जो कह रहा हूं वो सच है, क्या बात इतना है, कह रहा हूं। तो मैं एक दिन, हमारे गुरुजी निवृत्ति बुआ सरनाई, गाने के गुरुजी, जी जी हाँ, जी और दूसरे मेरे गुरुजी गजान राव जी, जी फिर उनको अभी मैंने कमेंट में कहा। गुरुजी का क्वेश्चन भी आ रहा है, इन्हीं के लिए, दोनों गुरुजी के लिए, कि पंडित जी हाँ, इज एन अकम्प्लिश्ड वोकलिस्ट हिमसेल्फ। अच्छा, आपके लिए कह रहे हैं गुरुजी, अ रिक्वेस्ट टू हिम टू थ्रो सम लाइट फॉर वोकल म्यूजिक प्रैक्टिशनर्स, ऑल्सो हिज एसोसिएशन विद पंडित गजानन बुआ जोशी जी एंड अदर ग्रेट वोकलिस्ट। या निवृत्ति बुआ सर ने, जी मेरे गुरु जी। फिर जी मैंने उनके पास एक बार कहा कि बुआ साहब, मैं हमारे निवृत्ति बुआ जी को बुआ साहब कहता था, बुआ साहब भीमसेन जी के साथ मैं बजाता हूँ तो मुझे बहुत अलग एक्सपीरियंस मिलता है, अजीब मिलता है एक्सपीरियंस। बोले क्या हुआ? मैंने कहा बहुत बार मैंने देखा कि भीमसेन जी भूल गए कि अपने साथ तबले पे कौन है। सुरेश तालवलकर है, वसंत आचरेकर जी है, चंद्रकांत कामत जी है, नाना मुड़े है, कौन है, भूल गए। ऐसा क्या मैंने, ऐसा निवृत्ति बुआ जी के पास मैंने कहा, बुआ साहब ये ऐसा मैं देखता हूँ। तो उन्होंने 2-3 सवाल पूछकर कंफर्म किया कि ये कह रहा है वो सही है क्या। हाँ, जी तो उनको मालूम पड़ गया कि मैं सही कह रहा हूं। हाँ, जी तो मुझे कहने लगे, बोले ये रामभो का प्रसाद उनको मिला हुआ प्रसाद है, इसका मतलब आप समझ गए हो जाने बुआ। वाला, नहीं, बुआ साहब ने मुझे कहा भीमसेन जी को रामभो का मिला हुआ प्रसाद है ये, रामो, रामो मतलब रामभो, राम राम भाऊ। भाव। हाँ, मतलब सवाई गंधर्व जी, ओ ओके 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 उनको सवाई गंधर्व जी को रामभो कुनगोलकर कहते थे, हाँ रामभो। जी, हाँ जी हाँ, तो जी रामभो, रामभो सा
मिला हुआ प्रसाद है ये। और कह के उन्होंने एक किस्सा सुने, क्या बात है बोले भीमसेन जी के पहले, बहुत पहले मैं रामबू के जी पास सीखता था, 6 साल, जी 6 साल सीखा हूं मैं। मेरे नाम पे जयपुर घराना आता है, अल्लादिया का सबका नाम आता है, हाँ, मगर मैं उनसे सीखा हूं 6 साल, क्या बात ये मुझे बुआ साहब ने कहा। हाँ, और बोले एक दिन बुआ साहब ने मुझे कहा कि निवृत्ति शाम को क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कहा बताइए क्या करना है, बोले मेरा गाना है तुम पहुंच जाओ, हाँ, तानपुरे पे बैठ जाओ। और मुझे समझने में गलती हो गई कब है टाइम, और मैं पहुंचा तब गाना शुरू हुआ था। हाँ, निवृत्ति बुआ जी ने बताया मुझे, मैं दब दब कर सामने बैठ गया। हाँ, और जैसे गाना खत्म हुआ, अंदर सवाई गंधर्व मतलब रामभोग जी को मिलने गया, और उनको कहा सवाई गंधर्व जी को, रामभोग मेरा, निवृत्ति बुआ जी ने सर उनके पाँव पे रखा, बोले ऐसा मैंने पुरिया आज दिन तक सुना नहीं, आप कैसा गाए पुरिया, बहुत भावनापूर्ण कहा उन्होंने, निवृत्ति बुआ जी ने, बोले कैसे आपने सुना है ये, ऐसा पुरिया मैंने कभी सुना ही नहीं। तो वो कहने लगे निवृत्ति तू कहाँ बैठा था, तो निवृत्ति बुआ जी ने कहा इस बात से मैं इतना तिलमिला गया, और मैंने कहा ये क्या कह रहे हैं ऐसे, हाँ, कि तू कहाँ बैठा था, बोले पूरा राग अपने मेरी तरफ देखकर गाया, और मुझे आप ये ऐसा सवाल पूछ रहे हैं, क्या बात हाँ है, क्या बात सुनिए, पूरा है। मेरी तरफ देखकर गा रहे हैं और बोले ये क्या पूछ रहे हैं। तो निवृत्ति बुआ जी ने मुझे कही हुई बात है कि इसका मतलब समझने के लिए मुझे 5 साल लगे, कि इसका मतलब क्या है ये समझने के लिए। अरे संगीत से ये भी साधना होता है, हाँ, क्या कमाना होता है संगीत से, ये होता है, संगीत केवल मनोरंजन के लिए नहीं है, दूसरे का क्या मनोरंजन नहीं करना है संगीत से, अपना मनोरंजन करना है, लोगों के दिल में झांकना है। क्या कैसे लोग थे, बात है, क्या बात है, अरे कमाल के लोग थे, मैंने ऐसे देखने मिले। और एक एग्जाम्पल देता हूं, देखिए जी आप, ये एग्जाम्पल से बहुत कुछ सीखने मिलता है बिल्कुल 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 कि गुरुजी, संगीत में क्या प्राप्त करना है, क्या प्राप्त करना है। इसके ऊपर भीमसेन जी ने इतनी अच्छी बात कही है, जी बोले मैं कौन हूं ये भूलने के लिए संगीत करना है, क्या बात क्या है क्या लोग होंगे ये, हाँ, जी, ये भारतीय संगीत की ताकत है, हम सीखते सीखते हमको यहाँ तक पहुंचना मिला, कम से कम सुनने तो मिला, हमको कितना जमा मालूम नहीं, लेकिन सुनने तो मिला, ये भाग की बात है, क्या बात है, क्या बात है, कितना क्या हमारा बात बड़ा है भाग है, हाँ, हमको जी, कितना आ गया वो बात अलग है, लेकिन हमको ये सारी चीजें और ये ताकत समझ में आ गई और सुनने मिली बुजुर्गों से। मेरे घर में होली के दिन प्रोग्राम रहता था, आपके और यहाँ जी, ओके हाँ, गोरेगांव में, बम्बई में रहता था, तो प्रोग्राम रहता था, और उस प्रोग्राम में कौन कौन कलाकार नहीं आते थे, शरद साठे, राम मराठे, रत्नाकर पहिए, हाँ, शोभा जोशी, सारे शंकर अभ्यंकर, बहुत क्या सारे, बात, शाहिद भाई, झाकिर भाई भी तो एक बार आ गए, निवृत्ति बुआ जी, बहुत बड़े बड़े कलाकार आते थे उसमें, राम मराठे आते थे, बहुत बड़े गायक, जी, मैंने उनके साथ इतने बार बजाया, बहुत मेरा सौभाग्य है, ऐसे बड़े कलाकार मैंने बहुत कम देखे, सच क्या कहता बात हूं, है, इतने बड़े लोग थे, लेकिन नाटक में भी काम करते थे मराठी स्टेज पे, हाँ, जी तो एक्टर के लिए एक जो इंटेलिजेंट उनमें तो भरा हुआ था इंटेलिजेंट, और दूसरे की नकल, आवाज से लेके चलने की, बात करने की, देखने क्या की, इतनी सही सही करते थे कि उनमें ये पराकोटी की ताकत थी उनमें, बात है,
मतलब उनके साथ सफर कर रहे हैं ऐसे समझ लीजिए, और कोई उनको पहचानने के लिए ट्रेन में मिले समझ लीजिए, तो अभी वो समझ लेते थे कि मैं ग्वालियर जा रहा हूँ बॉम्बे से, ग्वालियर तक ये आदमी है, अब इससे ये जो बात करेंगे कुछ ना कुछ तो पूछेगा, तो मुझे कौन होना है आज इनके लिए। तो ग्वालियर पहुंचते पहुंचते दो दूसरे दिन आते थे ना, आता था ग्वालियर, तब तक हाँ वो ओके उनके सामने वो विनायक राव पटवर्धन थे, और विनायक राव पटवर्धन के स्टाइल में उनसे बात करते थे, और उनके साथ हम जो चलने वाले उनके शागिर्द हम सारे लोग हंसते थे, और हमारा हंसना जो सवाल पूछ रहे हैं उनसे रामो से उनको अजीब लगता था कि ये मुझे हंस क्यों रहे हैं, और मतलब क्या बताओ, क्या बता भी नहीं सकते उनको रामो के सामने कि ये नकल कर रहे हैं इनकी, और जवाब सही देते थे, आपने खाना जी खाया तो आप खाना खाया ये कहते टाइम वो विनायक राव कैसे कहेंगे कि खाना खाया, तो हाँ खाना खाया, तो वही डिजाइन रहता था उनके चलन का बात करने का पूरा। बात है और ये खास करके राम मराठे की इसमें इतनी विशेषता थी, कम से कम 40 गवयों की सही सही ऐसी नजर करते थे कि बापूराव और डीपी पलुस्कर को हमने कभी नहीं देखा, मगर उनके माध्यम से हमने बापूराव देखे, हाँ, ये क्या बात हमारी है क्या पूरी बात भावना है है, पूरी भावना क्या है, बात है क्या एज ए बात है, पर्सन एज कैसे चलते थे कैसे बात वाह करते थे क्या पूरा देख लिया हमने, बात है क्या बात है इतनी ताकत रखते थे राम मराठे, क्या और बात है इतनी ताकत नकल करने में रखते थे वैसे उनकी गायकी गाने में रखते थे, क्या बात है क्या बात उस है कलाकार की गायकी गाते थे। तो बिल्कुल तानपुरे मिलाकर एक दिन निकल की हमारे दूसरे गुरुजी गजानंद राव जोशी जी उनके गाने की नकल शुरू की, राग गौरी शुरू हो गया हाँ, और उनका खुद का राम मराठे का सुर सफेद चार, मगर नकल करनी है गजान बुआ की तो सफेद एक के में तानपुरे मिला है और नकल शुरू की, मतलब उनके सुर में ही हम लोग शुरू करेंगे, और राग गौरी गाते 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 हम लोग हंस रहे लोट पड़ रहे, वो वैसे ही सब पे आ रहे, और जो उनकी हाथ की क्या और एक्सप्रेशन की जो पूरी नकल ऐसी करते बात थे है कि क्या बात है क्या सुनने बात वाले लोट पोट हो रहे लोट पोट हो रहे, ऐसा 5 मिनट तक चला, हर एक आवर्तन में लोट रहे हम लोग, और हर एक कहन उनके जैसे उच्चारण उनके जैसे कि ऐसे लगे कि हमारे जोशी जी गुरुजी ही आ गए वही गा रहे, और गाते गाते 5 मिनट के बाद थोड़े थोड़े लोग सीरियस होने लगते हैं, हाँ सीरियस होने लगती है इस बात को, सारे आज सुनने वाले विद्यार्थी वर्ग है आप इस बात को गौर से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं, ये बात का जिक्र मैंने मेरे किताब में भी किया है, मैं क्या क्या बात बहुत महत्वपूर्ण कहने जा रहा हूं, बात में सुनने वाले लोग सीरियस हो गए, गा रहे थे राम मराठे और दाद देने लगे गजानन राव जी को, इसका अर्थ समझ हाँ लीजिए, क्या बात है क्या बात है क्या लोग बात है दाद दे रहे जोशी जी को क्या बात है कि क्या आज बात है जोशी क्या जी बात आ है जी गए जोशी जी गा रहे, ऐसे ही सीरियस हो गए हाँ, और वो सीरियस होते 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 राम मराठे कितने सीरियस हो गए होंगे कि वो कह रहे हैं गाते गाते वो बात कर रहे दो शब्द कह रहे बुआ साहब, यानी वो बुआ साहब से बात कर रहे गजेंद्र राव जी से, हाँ बुआ साहब आज आप जम गए क्या बात है, मतलब वो गायकी इतनी अच्छी लग रही थी कि उनको भी खुद को नकल से बाहर आ गए थे वो, खाने का हाँ नकल से बाहर आ गए थे और उनके गायकी के अंदर झांक गए थे, हाय क्या बात है क्या बात हाय है क्या बात वो झांकते झांकते वो खुद कह रहे कि बुआ साहब क्या बात है आज आप जम गए हाँ, क्या बात है क्या बात मतलब है इसको हमारे फिलोसॉफी में कहते हैं परकाया प्रवेश, परकाया क्या बात है प्रवेश दूसरे के शरीर में प्रवेश करना हाँ, ये ताकत रखने वाले हमारे राम मराठे जी थे, क्या बात है क्या बात है क्या बात है हमने संगत करते करते इनको ये देखा उनकी ये म्यूजिक की ताकत देखी, ये क्या हमारे ऊपर किसने बंधन नहीं डाला था,
एक काय को सोचते हैं ऐसा ऐसा सोचना चाहिए, जरूरी नहीं अपनी फीस ले और जाओ घर, खाना खा लो, अच्छे कुर्ते पहनो, ये तुम्हें अगर हो सकता था। लेकिन जो आज मैं हूं उनके गायकी का असर है हमारे राम मराठे जी का, और उससे हम क्या बहुत बात है, संतुष्ट संतुष्ट पाते। आज पुरानी रिकॉर्डिंग लगा देता हूँ तो हम बहुत संतुष्ट पा लेते, हम जीवंत तो क्या बात, देखते क्या बात है, उनको, जीवन देखते हैं। अरे ये आज रहे नहीं, कौन बोलते, ये देखिए पूर्ण रूप में हमारे सामने आते हैं। ये म्यूजिक की ताकत गुरु शिष्य परंपरा में ही दी जाती है, ये क्या मुझे बात है, कहना, बिल्कुल 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 गुरु जी, ये बिल्कुल सही मुझे बात है। कहना है। अरे वो गाने की जितनी नकल करते ना, उससे ज्यादा अच्छी नकल तबले की करते थे। तेरकवा उस्ताद, तेरकवा कसाब का ऐसा तबला बजाते थे, उनके हत्थे पल्ले बहुत सुंदर थे और वैसे बजाते थे, इतना अच्छा बजाते थे कि पंडित आनूखीलाल जी ने उनसे 8 बार तेरकवा कसाब की नकल सुनी हर रोज बनारस क्या गए थे। तो बात है, देखिए देखिए ये मतलब कलाकार दूसरे को अच्छा कहना ऊपर ऊपर से बहुत अच्छे, लेकिन ये इतनी ऊपर की बात नहीं, वहां कलाकार के अंदर झाग गए थे, क्या बात है, ऐसा झाग गए थे कि उसमें वो खुद को भी भूल जाते थे और दूसरे को कलाकार को भी भूलते थे, नकल करते भी एक तत्व को पहुंच जाते थे। और वो तत्व क्या है, उस कलाकार की कला की पहचान है, अंदर की पहचान, ऊपर ऊपर की पहचान नहीं है। ये अंदर की बहुत पहचान ताक और ये भारतीय संगीत की ताकत है, और यहां तक जाने वाला हमारा भारतीय संगीत है। हाँ जी। बुजुर्गों की एक बात ने, मैं कितनी बातें बता सकता हूँ। ये लॉकडाउन का पीरियड के लिए मैंने पेपर में इंटरव्यू आया था पुणे में, तब मैंने कहा कुमार जी को, हमारे मित्र है शशि व्यास, उन्होंने पूछा कि हाँ जी, कुमार हाँ जी, जी अगले महीने में क्या कर रहे हैं आप इस तारीख को, बोले मैं खाली हूँ, क्या क्या बात है। तो बोले नहीं मेरा अमेरिका के मित्र आ गए, उनको आपका गाना सुनना है, किसी भी हॉल में रखेगा, आपकी फीस देगा, वो सारा वो सब कुछ देखेगा, लेकिन आपका जी गाना सुनना है। तो बोले अरे वो अगला महीने में मैं खाली हूँ, लेकिन मैं प्रोग्राम नहीं दे सकता हूँ, प्रोग्राम नहीं दे सकता हूँ। क्यों, बोले वो महीना मैंने अपने लिए रखा है, मुझे मेरे साधना के लिए। क्या बात, तो ये साधना की तरफ जाने वाले कलाकार कौन कौन है, ये अपने आप को देखना है सही बात है, क्या बात है, क्या बात है, कि वो तो कुमार जी देखिए कैसे लोग होंगे आए हैं, कैसे चिंतक थे, कहाँ सही लो बात लगी है, थी उनकी, कैसी लो लगी थी उनकी, हाय है कि बोले नहीं ये मैं ना मैं कई प्रोग्राम नहीं लेता हूं, मैं अपने लिए करता हूं। साधक कमाल का मतलब ये उनकी बात की विशेषता थी। जी, और हमको ये गुरु शिष्य परंपरा से सीखना क्या है, आखिर तबला बजाने आ जाए, हाँ गाने की संगत करी, डांस की संगत की, सोलो भी बजा लिया, घूम भी लिया, बहुत प्रोग्राम किए, यही है, ये इससे परे जाना है। गुरु शिष्य परंपरा क्या बताती है, गुरु शिष्य परंपरा इससे परे जाओ ये सिखाती है। और क्या वहां बात है, जाने की ताकत ये हमने रखी है नहीं, ये बताने वाली ही ये परंपरा है, क्या बात, क्या गुरु बात, शिष्य परंपरा। क्या बात, और कुछ कुछ हमारे म्यूजिक के लोग यहां तक लेके जा सकते हैं, इसलिए तो मैं कह रहा हूं, नहीं तो नहीं कहता था। हाँ जी हमारे जोशी जी गुरु एक जी, दिन कहने जी लगे, जी उनका ये सिर है ना, ये आधा जी आधा आधा दर्द होता था और वो हेवी ऐसे रहता था कि कोई हथौड़ा डाल रहे, इतना दर्द रहता था। हाँ? अच्छा, तो कभी कभी टॉवेल होता था ना,
वो टॉवेल लगाते थे, एक शागिर्द को कहते तो तुम इधर से खींचो, ये इधर से खींचो, ये कहते थे, बोले थोड़ी देर रुक जाए। लेकिन उसी तकलीफ में उन्होंने कभी रियाज छोड़ा नहीं, क्या बात है। कभी छोड़ा नहीं। उनको पूछा जाया गया कि आप रेस करिए ना, बोले रेस करने की इच्छा नहीं है मुझे, बोले ये रह जाएगा मेरा, मुझे करने दो। क्या बात है। बोले ये शरीर के भोग है क्या, बोले भुगतना है बस। तब अभी उस टाइम में ये देखा, लेकिन इसका फिर भी महत्व हम नहीं समझते थे, नहीं समझते थे। ये गुरु शिष्य परंपरा की खासियत है। दूसरी चीज बता रहा हूं कि गुरु ने आज कही हुई बात का मतलब आज कभी भी समझ में नहीं आता है, और एक क्या साल बात में भी है, नहीं बिल्कुल आता है, एक साल में भी नहीं आता। 10 साल अगर साधना में जाए तो गुरु ने ये बात क्यों कही थी मालूम पड़ता है, सही मालूम बात है पड़ता भाई, है। क्या बात, बिल्कुल बिल्कुल पड़ता है, क्योंकि सालों ये सालों बाद हमारे, समझ में आती और है। ये हमारे म्यूजिक की ये रियल ताकत है, सही बात है मालूम जी, पड़ता है ये क्या म्यूजिक की ताकत है। ये ताकत जब गुरु हमारे तक पहुंचा देता है ना, तो उसके मूल्य अगणित होता है, किया नहीं क्या बात, जाता है इसका मूल्य। क्या बात है। ये खास करके गुरु शिष्य परंपरा में क्या क्या हमको ऐसे गुरु मिले, बहुत अच्छे गुरु मिले, जिसकी वजह से बहुत, ये ये हमारे बातें पे खुशनसीब भी है, हम ये सारी बातें आज सुन भी पा रहे हैं गुरुजी। मतलब कहाँ ही सुनने को मिलती हैं ये बातें, और मतलब सारे आजकल के जो दूर और ये दराज नजर वाले है ना, ये नजर खास करके, संगीत जी, कहाँ है और तुम कहाँ हो, ये जो डिस्टेंस की जो इंजेक्शन जो है ना, वो निवृत्ति बुआ जी ने दिया मुझे। क्या बात है, क्या हाँ बोले संगीत को कहाँ देखना चाहिए, बहुत अरे कमाल के लोग थे। एक दिन कहा कि बोले आजकल जो ठेका बजाते हैं ना तबला, उसके बाए में ताकत नहीं रही है। क्या है, आप निवृत्ति बुआ जी को जानते हैं, उनकी तस्वीर देखिए, अरे तस्वीर नहीं देखी गुरुजी। वो पहलवान थे, अच्छा हाँ बड़े अच्छे पहलवान में बहुत अच्छे थे वो। क्या बात हाँ है, तो उन्होंने मेरे यहाँ गोद में दबाकर पाया कैसा बजना चाहिए, बोली ये क्या ताकत आजकल नहीं रही, ये बात मुझे बताया। है, 8 दिन तक ये गोद दुख रही थी मेरी। अब तो वो तबले का क्या धा है? नहीं तो धा का मतलब किसी ने आके कान पे डाल दिया, हाँ एनर्जी के साथ क्या बात है, डाल दिया। तो ये फिर बड़ा सिखाने क्या, का बड़ा शौक ये ज्यादा नहीं सिखाना तो तंत्र वगैरह होता है, हाँ तंत्र, जी, लेकिन ये जो म्यूजिक के है ना संस्कार, ये बहुत अलग है क्या बात कि है, अरे ये धा ना ता कृतक ता, ये तो बहुत सालों से सीख रहे हैं, बजा रहे हैं लोगों के सामने बजा रहे हैं, लेकिन 20 साल 25 साल के बाद मालूम पड़ता है कि अरे ये धा का मतलब आज मालूम पड़ा क्या क्या बात धा है, है। क्या बात है, क्या बात ये है, गोद दुखने से नहीं है, वो जब जिस वजन से उन्होंने धा बजाया ना, तो धा का एक विश्व रूप दिखाई दिया कि क्या अरे बात है, ये क्या धा बात है, है, क्या बात है, क्या उसको ऐसे उसके साथ ऊर्जा दी। ये बड़ा मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी, इम्पोर्टेंट है। और एक एक आपके सामने पिक्चर क्लियर हो गई कि ये एनर्जी चाहिए इसके लिए, या ये लगाना है, बहुत जरूरी है, क्या बात है। हम हमारे सिखाने का असर इसके मन पे कितना करते हैं, बुद्धि पे कितना करता है, और शरीर पे कितना करता है। हाँ ये जरूरी है, अपने आप को गुरु अगर समझते हैं तो आप यहाँ देखिए कि मनुष्य की ये सारी अवस्था पे इसका हम परिणाम कर रहे हैं या नहीं, या परंपरा परंपरा लेकर चल रहे हैं, हाँ क्या ये बात है, मैटर लेकर चल रहे हैं या मैनर की तरफ जा रहे हैं।
हाँ ये हाँ क्या देखने की बात है। बात बहुत जरूरत है कि इसको सा के उच्चारण से, धा के उच्चारण से, हाँ, इसको आंतरिक समाधान मिल रहा है या नहीं। हाँ, आखिर हम जो सिखा रहे हैं उससे क्या प्रूव करना चाहते। तो इसको सुंदर ध्वनि हाथ में आना चाहिए, लेकिन आगे जाके ये ध्वनि का उच्चारण नाद की में जाना चाहिए, नाद में जाना चाहिए, क्या बात है। वहां नादमय स्थिति में जाना चाहिए। इसलिए ये गोल तो है ना, ये बिल्कुल होना बिल्कुल बिल्कुल चाहिए, गुरु जी, बिल्कुल ये जी गोल बिल्कुल होना होने चाहिए। चाहिए सिखाने में भी। अगर ये अपने गोल नहीं है तो अपने आप को चेक करना जरूरी है कि हमारा सीखना केवल शरीर लेवल पे हो रहा है, या बौद्धिक लेवल पे भी हो रहा है, या मानसिक लेवल पे भी हो रहा है या नहीं। अरे मानसिक लेवल मतलब सब अच्छा लगे, सुंदर लगे, इसको मानसिक लेवल नहीं कहते। इसके ऊपर वो नादमय स्थिति के अंदर प्रवेश करना आना चाहिए, झांकना आना क्या बात, चाहिए। ये अवस्था है, ये एक दिन में नहीं आती है, पता नहीं कितने साल जाते, बोल नहीं सकते, लेकिन हमारा उद्दिष्ट तो वहां होना चाहिए, उस तरफ गोल होना चाहिए। नहीं बताइए अंशुल। बिल्कुल 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 गुरु जी हाँ, बिल्कुल। कमेंट तो में ऐसा ऐसा भी नहीं है कि गुरु शिष्य परंपरा है ने गुरु के घर में रहकर सिखाई जाती है तो कहेंगे लोग, और उसको 50 में 50 मार्क भी मिलेंगे, लेकिन वो असली मतलब नहीं है, वो असली बिल्कुल मतलब गुरु नहीं है जी, गुरु वो शिष्य असली मतलब नहीं परंपरा है। का। हाँ, गुरु लेकिन शिष्य गुरु जी परंपरा का कहते हैं, मतलब, हाँ